एग्जिट पोल के नतीजे हमने आपको दिखाए और उस पर ही हम जल्दी जल्दी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। राघव चड्ढा, सुधांशु त्रिवेदी सब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, राघव चड्ढा आप हमारे साथ नहीं है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। संजय झा हैं। संजय झा, आप क्या? चलिए सुधांशु जी, आपके पास ही मौका है, प्लेइंग फील्ड है, आप बोलिए। जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, 23 तारीख को तो इस नतीजे का बिल्कुल उल्टा आएगा। चंद्रबाबू नायडू वहां पर कोशिशें कर रहे हैं, वहां ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं, आप लोग भी अपने बचाने के लिए विस्तार करेंगे साथियों का, या फिर आराम से बैठेंगे कि हम तो जीत रहे हैं? देखिए, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, हमारा निष्कर्ष भी बहुत स्पष्ट है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से अधिक सीटें पाएगी, जो आपका सर्वेक्षण दिखा रहा है। एनडीए के साथ हम बहुत बड़े बहुमत के साथ होंगे, सरकार एनडीए की ही होगी भाजपा के स्पष्ट और प्रबल बहुमत के बावजूद। इसके बावजूद भी यदि हमारी नीतियों से और हमारे कार्यक्रमों से समर्थन तो नीतीश कुमार को आना चाहे, घोषणा पत्र भी जारी नहीं करने दिया, खुले होंगे, क्योंकि हम तो आपने तो नीतीश कुमार को घोषणा पत्र तक जारी नहीं आपको करने दिया। याद दिलाना चाहता हूं, जब वो कुछ बोलते हैं, 1999 में हम लोगों ने भी एक दौर में ऐसा था, अपना घोषणा पत्र नहीं जारी किया था, आप याद करिए, तब हमने एनडीए का जारी किया था। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है साहब, आपको पता है आज 24 साल हो गए नीतीश कुमार से गठबंधन हुए, बीच के 2 साल छोड़ दिए जाए। आपके साथ शशि शेखर जी भी कुछ जोड़ देखिए, आपने अपने टर्म पे बोले, ठीक है भाई, अब चुनाव खत्म हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, शशि जी को जोड़ना चाह रहे थे। सुधांशु जी, मैं लौटूंगी तुरंत आपके पास। आप एग्जिट पोल में ही खुश हो गए, ये प्रायोजित है। एक वाक्य बोलना चाहूंगा कि ये सारी बहस अपनी जगह है, हमें 23 का गंभीरता से इंतजार करना चाहिए। ये एक तरफ इशारा एग्जिट पोल जरूर कर रहे हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। तो 23 तक का हमें इंतजार करना चाहिए, बजाय राजनीतिक कटुता की बातें करने की। और ये बात मुझे लग रहा है नवल किशोर जी, हालांकि उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में गलत साबित हो गए, लेकिन यहाँ पर 7 से 8 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो सीधे सीधे संकेत कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए एग्जिट पोल के लिए ही सही, कम से कम आप नवल किशोर जी। मैं कह रहा हूँ शशि जी, किस बात का संकेत कर रहे हो? कह रहे हैं कि कभी कभी हम 2004 का जिक्र करते हैं, 2004 में सारे फेल हो गए, फिर वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के एग्जिट पोल फेल हो गए, फिर यूएस में भी एक बार एग्जिट पोल फेल हो गए, तो किस बात की तरफ संकेत है? कि हम इंतजार करें, हम भरोसा करें अभी भी कि एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं 23 मई को? जब नहीं, संकेत के लिए तो 23 मई का इंतजार कर लेना फिर, तब तक तो सिर्फ अटकलें ही हो सकती है, आकलन ही हो सकता है। शशि जी को फंसाने की कोशिश मत करिए, शशि जी बहुत सीजनड आदमी है, उन्होंने जो बात कही है हम लोगों को बिटवीन द लाइन समझ लेनी चाहिए। लेकिन दर्शक पूरी तरह से समझ जाए, इस वजह से बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल हमें 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए श्वेता, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, एग्जिट पोल है, साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं इसके लिए, और आज जो एग्जिट पोल आज तक ने आपको दिखाया है, 7 लाख से ज्यादा लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन 23 तारीख को नतीजे क्या रहते हैं 90 करोड़ वोटर्स के, ये देखना रहेगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक जुड़ने के बाद। एग्जिट पोल के नतीजे अगर आपको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय लग रहे हैं, तो उसका विश्लेषण हम उसी अंदाज में करेंगे।